Good morning, dear student. In class 7th, now we have discussed about the different rulers, how the Humayun rule inside country. So earlier we have discussed Humayun starting the establish of British, Mughal emperors, British, sorry dear, I have taken the lecture from the class 7, that's why this happens, British. So Mughal emperors, and he fought the war with the Humayun with Rana Sangha. So there was the famous war between the Rana Sangha with the Chanderi rulers. And so you know, with the Rana Sangha, he was belong from the Mewar, or it true batate hain ki unke 80 gaon the, or he was the brave warriors, bahut bahadur yodha the. Ek ha unki end, ye jo one end hai, वो दोनों वर्ग में इंजर्ड हो गए थे. उसके बाद भी यू नो, अगर देर वार नो सच चीटिंग हैपेंस विद द राणा सांगा, तो आई होप इन खानवाबाद ही डिपिटेड द बाबर. तो बट बाबर के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे इंडिया में हमेशा रहा है कि चीटिंग इज गोइंग ऑन, चीटिंग चलती रहती. तो लेटर ऑन हुमायूं एज एस्टेब्लिश, तो हुमायूं का पीरियड ऐसा निकला है कि मीन्स द कंप्लीट स्ट्रगल्स जो स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट हुमायूं एज रूल, फिर लेटर ऑन द उन्हीं के अप एंड ब्रदर अगेंस्ट हिम, उनके विरोध में चले गए. फिर इधर शेरशाह सूरी अटैक, शेरशाह सूरी ने इधर दिल्ली से उनको वापस रिटर्न किया. उधर उधर अफगान में उनका जो ब्रदर था उससे खतरा, तो रिटर्न टू द सफावी साइड फ्रॉम ईरान साइड. तो दिस हैपेंस विद द, तो हुमायूं के बारे में एक ही चीज हिस्ट्री में फेमस है, इज द सन ऑफ ग्रेट फादर एंड फादर ऑफ ग्रेट सन. आई एम रिपीटिंग, एक ही स्टेटमेंट वी कैन यूज फॉर हुमायूं, इज सन ऑफ ग्रेट फादर एंड फादर ऑफ ग्रेट सन. इट मीन्स कि वह एक ग्रेट, सॉरी देर इज द डिस्टर्बेंस इन नेटवर्क. तो ही वॉज द सन ऑफ ग्रेट फादर, वह एक बेटे थे किसके, ग्रेट फादर के, बाबर, जो बहुत ग्रेट, जिन्होंने अटैक किया, इस्टेब्लिश किया, उज्बेक से इनको हरा के इंडिया के अंदर मुगल की एक बेसिक न्यू रखी, बेसिक कंसेप्ट रखा. एंड That's why he was the son of great father. इसलिए हम great father का son कह सकते हैं. But and he was father of great son. Father of great son मतलब एक अकबर, जो एक great बहुत मुगल emperor हुए हैं, तो उनके पिता भी थे वो. तो father of great son, लेकिन उनकी life पूरी struggle में निकली. ऐसा struggle मुगल kingdom में किसी ruler के साथ नहीं हुआ, जो चारों तरफ से surrounded by their enemies. And struggles, finally he succeed, वापस re-struggles and recapture Delhi, or due to the library accident, he died. So later on, Akbar has started the rules. So what Akbar has followed the different policies. Akbar, when Akbar was the 13 years old, tabhi Umar Kot Pakistan mein unka, you know, ruler bana diya gaya. And most of life is spent विद हिंदू फैमिली, राजपूत फैमिली, जो उनकी बर्थ हुई थी. एंड लेटर ऑन बाय हेल्प ऑफ सपोर्टर्स, तो बताते हैं कि कोई भी किंगडम्स तभी रूल करता है रूलर्स जब उसके सपोर्टिव अच्छे हों. तो बाय हेल्प ऑफ द सपोर्ट बेरम का अकबर वाज गुड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इफ यू सी द मुगल डायनेस्टी, तो हम देखेंगे कि बाबर इस्टेब्लिश द मुगल्स, और हुमायूं एज ए कंप्लीट स्ट्रगल टू कंटिन्यू फॉलो द सिस्टम ऑफ बाबर. एंड अकबर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अकबर ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा बनाया, जैसे सुलेकुल सेकुलरिज्म फॉलो किया, मींस द गिव द रेस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन्स, ये सब अकबर ने किया. अपने सभी रिलेटिव्स को यू नो एलोटेड द जागीर, वतन जागीर, maintain the good and healthy relation with other rulers, Rajput rulers also. But as it
you know, later on Akbar ki baad if we discuss Jagir, so Jagir played the important role in art. Art means the different form of music, songs, dance, drawing, buildings. Yes, sab hua during the Jagir. And Jagir has chit with his father Akbar as it happens with the Jagir. Shahjahan ne bhi waisa hi kiya. Main pura details mein bataunga later on. So Shahjahan has chit with his father. So Shahjahan played the important role for the architecture. तो अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले किया. सेकंड वन प्ले द रोल फॉर द आर्ट और थर्ड वन फॉर द आर्किटेक्चर. तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ताजमहल जो फेमस है. अब मैं आपको दे रहा हूँ टुडेस असाइनमेंट कि इन विच मेमोरी एक कंस्ट्रक्ट द ताजमहल. ताजमहल किसके मेमोरीज में बनाया. तो जैसा उसने किया किसने, अकबर के साथ जहांगीर ने, जहांगीर के साथ चीटिंग की शाहजहां ने, और उससे ज्यादा चीटिंग की औरंगजेब ने. तो औरंगजेब वॉज द अनपॉपुलर रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री. एंड वाई ही वॉज अनपॉपुलर रूलर, तो बिकॉज एक तो क्या है कि ई डिस्ट्रॉय द मैनी टेम्पल्स, ई अगेंस्ट द टॉलरेंस और मे बी द रिलीजन्स, और कितने लोगों को ई एज प्रेशराइज, ई इंक्रीज द टैक्सेस रेवेन्यू अननेसेसरी, एंड ई वॉन्ट टू एक्सटेंड इस किंगडम टिल द सदर्न पार्ट. डजेंट मैटर, हर कोई रूलर चाहता है कि उसका एरिया बड़ा हो. बट ई इंसल्ट द शिवाजी, जो मराठा से भी उसने दुश्मनी ली, एनिमी बनाया मराठास को, सिख कम्युनिटी को बनाया. एंड मराठास में शिवाजी को चीटिंग करके ई कैप्चर इन साइड द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट नॉट दिल्ली, इन आगरा. आगरा में भी एक रेड फोर्ट है, इन साइड द रेड फोर्ट. फिर शिवाजी वहां से भी निकल गए उस रेड फोर्ट से, और स्टार्ट द rebelled against the Aurangzeb. So you know there was the one famous style of the war in southern part, that is the guerrilla war. So guerrilla war mein they disturbed the military or maybe the Mughal military supply, jo bhi hota tha un pe chupke se attack karna, mountain or hilly areas. You can see in Tanaji movie full complete style of the that war, you can see inside the Tanaji movie. Jaise mountain pe chadna, rope climbing, like this all they are expert, those Marathas. So in this view of discuss, Aurangzeb was against the such religions, destroyed the many temples, or I have sent the slide also beta. Through these slides you can study the what are the point, later on I will explain, and how they maintain the relation with the other rulers. Now we are going to discussing about how they maintain, Mughal maintain the good relation with others. So Mughal rulers campaign started against the rulers and refused to accept their authority. वो तैयार होते थे कि या तो हमारी authority को accept करो, और if anyone able to accept their authority, तो they may be rule inside the Mughal authority, deposit their vatan, jagirs or taxes or revenue to the Mughals. Or if anyone refuse their demand, so they may be attack on that. Like this happens with the Mewad, Maharana Pratap, aise rulers hue jin pe unhone attack kiya. They make the good relation with the Rajput. They become powerful. Many ruler like a Rajput join the Mughals. Many of the Rajput married their daughter into the Mughals family, receive high position rank, jinko ek achhi rank unke courtesans mein mile. So some few Rajput rulers maintain the relation with the, make the relation with the Mughals. Many opposed that. For example, Sisodia Rajput of Mewar refused to accept of Mughal authority. कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, भले से उन्होंने ग्रास से बनी हुई चपाती और रोटियां खा ली. तो ऐसे भी हमारे सामने एग्जाम्पल है, इसलिए आज महाराणा प्रताप को इतने प्राउड के साथ हम जानते हैं बेटा. आज हमें प्राउड होता है कि वी बिलोंग फ्रॉम चित्तौड़, क्योंकि हमारे रूलर ऐसे रहे जिन्होंने मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया. डजेंट मैटर कि उन्होंने कितना स्ट्रगल फेस किया. तो डेट्स वाई महाराणा प्रताप इज फेमस फॉर नॉट अस, फॉर एंटायर नेशन, और इट इज, इट शुड बी. एंड फॉर एग्जाम्पल, सिसोदिया राजपुत्र, राजपूत नॉट एक्सेप्टेड द मुगल अथॉरिटी, एंड लेटर ऑन वॉर हैपेंस बिटवीन द मानसिंह एंड महाराणा प्रताप, दे वर ऑनरेबल ट्रीटेड बाय द मुगल्स. Those accepted their authority, honorable treat by the Mughal authority, give the vatans,
for in replace they pay the salary that is known as the Watan Jagir. So this careful balance between the defeating but not others maintained by the Mughals, and they extend their kingdoms till southern part, and they want to control in the till southern part, that was the but main challenges. बताते हैं औरंगजेब ने अपने आप को सदन पार्ट तक एक्सटेंड किया बट ही अनेबल टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली टू टिल सदन पार्ट. तो दिस आर द टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस हाउ द मेंटेन द रिलेशन विद अदर रूलर्स. बाकी इफ यू एनी डाउट यू मे बी सेंड टेक्स्ट मैसेज और गो थ्रू द स्लाइड्स और लेटर ऑन इफ यू फील एनी डाउट तो डजंट मैटर वी विल रिपीट द डेट टॉपिक. तो डियर थैंक्स हैव अ गुड डे.